हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल एजी एग्जाम अभी हम एम पी असिस्टेंट इंजीनियर का 2016 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये पार्ट फोर है इससे पहले पार्ट वन टू और थ्री आया था अगर आप पार्ट वन टू और थ्री देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ओके तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखिए इट इज डिवलप्ड वेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ रिसेंटली डिपॉजिटेड क्ले लेर सेकेंड इट इज डिवलप्ड वैन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ लेयर ऑफ डेंसेंट और थर्ड इट इज डेवलप्ड ड्यू टू अडन ड्रॉडाउन ऑफ द वाटर टेबल ठीक है हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो देखो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब हमारी क्या हो जो हम पाइल ड्राइव कर रहे हैं वो किसी रिसेंटली डिपॉजिटेड क्ले लेयर में हो ठीक है वहाँ पे हमने क्ले लेयर अभी अभी डाली गई है या फिर जो हमारा क्या हो सडन डाउन हो किसका वाटर टेबल का ठीक है अगर डेंस सैंड होगी तो उसमें सी बात है स्किन फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता है वो चीज़ पहले ही ऑलरेडी डेंस है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी दैट इज वन एंड थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर ए प्रपोज्ड बिल्डिंग राफ्ट फाउंडेशन आइसोलेटेड फुटिंग एंड कंबाइंड फुटिंग आर बींग कंसिडर्ड दीज फाउंडेशन आर टू बी लिस्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ओके तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि राफ्ट फाउंडेशन है आइसोलेटेड फाउंडेशन है और कंबाइंड फाउंडेशन है उसको क्या करा है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या चूज करना है कि ए, बेस्ट टू लोएस्ट ठीक है बेस्ट टू लोएस्ट हमें उनको अरेंज करना है कि सबसे बेस्ट कौन सी परफॉर्म करेगी और सबसे लो कौन सी परफॉर्म करेगी तो ए ऑप्शन क्या है राट फाउंडेशन बी कंबाइंड फुटिंग सी आइसोलेटेड फुटिंग बी ऑप्शन क्या है आइसोलेटेड फुटिंग राट फाउंडेशन और कंबाइंड फुटिंग्स सी ऑप्शन क्या है कंबाइंड फुटिंग राट फाउंडेशन आइसोलेटेड फुटिंग और डी ऑप्शन क्या है कंबाइंड फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग और राट फाउंडेशन तो इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है क्या है ए इज करेक्ट ऑप्शन दैट इज राट फाउंडेशन सबसे बेस्ट है उसके बाद हम मूव करते हैं कंबाइंड फुटिंग पे और जब कुछ नहीं बचता तो थगा के हम आइसोलेटेड फुटिंग ही प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असोसिएटेड विद लोकल शेयर फेलियर ऑफ सॉयल फर्स्ट क्या है फेलियर इज सडन विद वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड सेकेंड क्या है द फेलियर अकर्स इन हाईली कंप्रेसिबल सॉयल थर्ड क्या है फेलियर इज प्रिस बाय लार्ज सेटलमेंट ओके तो इसमें बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट ए क्या है वन टू थ्री रोंग बी क्या है वन एंड टू रोंग सी क्या है टू एंड थ्री और डी तो क्या है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है सी दैट इज टू एंड थ्री आर करेक्ट दैट इज कंप्रेसिबल सॉइल के अंदर शेयर फेलियर होने से पहले लार्ज सेटलमेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके आधा क्वेश्चन इधर है okay, क्वेश्चन कह रहा है a retaining wall, retains a sand strata, विथ फाइव कोटी डिग्री अप टू इट्स स्टॉप ओके इफ यूनिफॉर्म सर चार्ज ऑफ ट्वेल्व टन पर मीटर स्क्वायर इज सब्सिक्वेंटली पुट ऑन देंट स्ट्राटा देन द इंक्रीज इन द लेटरल अर्थ प्रेसर इंटेंसिटी ऑन द रिटेनिंग वॉल विल बी ए ज़ीरो टन पर मीटर स्क्वायर बी फोर टन पर मीटर स्क्वायर सी सिक्स टन पर मीटर स्क्वायर और डी इज ट्वेल्व टन पर मीटर स्क्वायर तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है अगेन इसको देखो कैसे करेंगे जो अर्थ क्या पूछा इसने लेट कितना इंक्रीज इन द लेटरल अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी ओके तो लेटरल अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी हम जानते हैं क्या होती है के ए गामा एच कह लो या जेड कह लो ठीक है प्लस के ए ऑफ किसकी वजह से जो हमारा सरचार्ज आ रहा है ठीक है तो सरचार्ज को बेसिकली कुछ भी डाल दो सरचार्ज डाल दो मैंने सरचार्ज बोल दिया उस चीज़ को ठीक है अब देखो ये वैल्यू क्या है ये वैल्यू तो आएगी ही आएगी के ए गामा एच ये तो इनिशियल थी एडिशन किसकी वजह से हुआ है सरचार्ज की वजह से हुआ है ठीक है तो इसको निकाल लेते हैं तो यही बताएगा हमें क्या इंक्रीज कितना होगा प्रेशर में तो डेट इज के निकालने के लिए देखो हमें पता है फाइव दे रखा है फाइव दे रखा है फाइव कितना है थर्टी डिग्री है ठीक है तो के ए कितना हो जाएगा के ए होगा वन माइनस साइन ऑफ फाइव अपॉन वन प्लस साइन ऑफ फाइव इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ वन बाय थ्री निकल कर आएगा ओके okay. डन अब देखो इंक्रीज कितना होगा इतना तो सिंपल है इंक्रीज इन अर्थ प्रेशर कितना आ जाएगा दैट इज के ए वन बाय थ्री और सरचार्ज मीटर तो दे रखा है कितना है ट्वेल्व टन पर मीटर स्क्वायर तो बहुत सिंपल है थ्री

ओके okay. तो हमें क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर रखना है तो इसका देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है पी एक्टिव सबसे कम होगा फिर आता है पी रेस्ट और सबसे ज्यादा क्या होता है पी पैसिव ठीक है देख लेते किस में मिलेगा हमें दैट दैट इज इज ई एक्टिव क्या है रेस्ट देखो बीच में होना चाहिए अर्थ एक्ट अर्थ प्रेशर एज रेस्ट फर्स्ट जो है बीच में होना चाहिए और एक ही ऑप्शन है दैट इज डी ठीक है अब देखो एक्टिव क्या आगे है थर्ड आगे है और फर्स्ट पीछे है ठीक है करेक्ट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके अ सॉयल हैज एन एंगल ऑफ शेयरिंग ऑफ थर्टी डिग्रीज एंड कोहेशन ऑफ थर्टी फाइव किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इफ द स्पेसिमेन ऑफ दिस सॉयल इज सब्जेक्टेड टू द ट्राई एक्जल कंप्रेशन टेस्ट दैन द वैल्यू ऑफ लिटरल प्रेशर इन द सेल फॉर फेलियर टू अकर एट टोटल स्ट्रेस ऑफ थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर मीटर स्क्वा ठीक है ट्राई एक्जल टेस्ट दे रखा है ठीक है कि ट्राई एक्जियल टेस्ट पर कोई एक हमने परफॉर्म करा है तो सिंपल सा फॉर्मूला है क्या ट्राई एक्जियल टेस्ट का दैट इज सिगमा वन इक्वल्स टू सिग्मा थ्री टैन स्क्र ऑफ फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू प्लस टू सी टेन ऑफ फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाय टू ठीक है अब देखो सारी वैल्यूज दे रखी है हमसे पूछा क्या है लेटरल प्रेशर इन द सेल दैट इज सिग्मा थ्री वो पूछ रहा है कितना होगा ओके okay, सिग्मा वन दे रखा है हमें कितना है इधर द स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टोटल श्रेस दैट इज थ्री हंड्रेड हमें दे रखा है ओके सिंपल थ्री हंड्रेड इक्वल्स टू सिग्मा थ्री मुझसे पूछ रहा है ओके टेन स्क्वायर किसका फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू फाइव कितना है थर्टी डिग्रीज है थर्टी बाई टू इज़ फिफ्टीन फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन इज नथिंग बट सिक्सटी डिग्री ठीक है प्लस टू सी भी हमें दे रखा है कितना है कोहेजन ऑफ थर्टी फाइव थर्टी फाइव और फोर्टी फाइव प्लस दैट इज़ अगेन सिक्सटी ठीक है टेन ऑफ सिक्सटी इसको टेन लिख लेना यार टेन ऑफ सिक्सटी ओके ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ लास्ट टाइम कई बार ऐसा हुआ था कि मेरे जो आंसर आ रहे थे वो थोड़े से गलत हो जा रहे थे ठीक है तो इस वजह से मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है कई बार आप लोगों ने बोला था कि सर इसका आंसर ये होगा इसका आंसर होगा इस वजह से मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है ठीक है एल्स फॉमूला यही है आप डायरेक्ट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका तो यहाँ से सिग्मा थ्री आप निकाल लोगे टेन स्क्वेयर सिक्सटी इज नथिंग बट टेन सिक्सटी इज रूट थ्री तो थ्री आ जाएगा और इसको भी सॉल्व करोगे पूरा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा हमारे पास फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव नाइन ठीक है स्टिल एक बार यार चेक कर लेना ठीक है कुछ फॉर्मूला uh, यही लगेगा कैलकुलेशन एक बार देख लेना

रिकवरी रेशियो हमारा बेसिकली होता है क्या कि लेंथ ऑफ एक्चुअल सैंपल अपॉन पे लेंथ ऑफ सैंपल इन ट्यूब ठीक है ये होता है हमारा रिकवरी रेशियो अगर हमारा रिकवरी रेशियो लेस देन वन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ है लेस देन वन होगा तो मतलब कंप्रेस हुई है सॉइल दैट इज कंप्रेस आर आर अगर हमारा ग्रेटर देन वन है तो क्या हुआ है एक्सपैंड है दैट स्वेल अगर हमारा इक्वल टू है तो दैट इज नो चेंज ओके ये पॉइंट ध्यान रखना था बस इसमें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वन एंड टू दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी स्लोप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट एन एंगल थर्टी डिग्री टू दॉरिजॉन्टल फ्रॉम अलविंग द प्रॉपर्टी सी दे रखा है नाइनटीन किलोमीटर पर मीटर क्यूबिक टेलर स्टेबिलिटी नंबर दे रखा है इफ ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वन पॉइंट फाइव इज रिक्वायर्ड द सेव हाइट ऑफ द स्लोप विल बी ओके अगेन क्वाइट इजी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है क्या सेफ हाइट का फॉर्मूला क्या होगा सी डैश में गामा गामा ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू टेलर स्टेबिलिटी नंबर ठीक है तो ये हमें सारी वैल्यूज दे रखी हैं सी डैश सी डैश बेसिकली अगर हमें इफेक्टिव दे रखा होता तो इफेक्टिव लेते हैं बट यहाँ पे इफेक्टिव नहीं दे रखा हमें टोटल दे रखा है दैट इज सी दे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी है वन पॉइंट फाइव और ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स कुछ नहीं है सीधा वैल्यूज डालो सारी वैल्यूज़ डाल दो हमारे पास आंसर निकल जाएगा ठीक है तो मैं एक बार आंसर निकाल देता हूँ इसका कितना है सी डैश हमें दे रखा है फिफ्टीन डिवाइड बाय गामा दे रखा है नाइनटीन इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर ऑफ सिक्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इलेवन पॉइंट फोर फोर ठीक है दैट इज डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ सर्टेन लोडिंग फॉर अ सर्टेन लोडिंग कंडीशन अ अचुरड क्ले लेयर अंडर गोस फोर्टी परसेंट कंसोलिडेशन इन अ पीरियड ऑफ वन सेवेंटी एट डेज वट वुड बी एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ट्वेंटी परसेंट टू अकर बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका देखो आ, एक फार्मूला क्या है टी वी होता है हमारा सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर ये तो फार्मूला मतलब ऐसे है कि याद ही कर लो अच्छे से घोल के पी जाओ हर पेपर में सॉयल में से इसमें से क्वेश्चन मिलेगा अगर फर्स्ट यूनिट से नहीं आ रहा तो बस इसी यूनिट से आने वाला है अब क्वेश्चन ठीक है ये समझ लेना फर्स्ट यूनिट से नहीं आएगा तो यही यूनिट है तो देखो कुछ नहीं है हमारा जो टी होता है टी टू अपॉन टी वन होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल uh, होता है किसके यू के डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के स्क्वायर के ठीक है तो हमें कितने के लिए दे रखा है दैट इज टी टू कितना है हमारे पास टी टू हमें निकालना है टी वन दे रखा है वन सेवेंटी एट ठीक है तो टी टू हमें पता नहीं लग जाएगा टी टू इक्वल्स टू यू वन अपॉन यू टू दैट इज फोटी अपॉन ट्वेंटी का स्क्वायर इंटू वन सेवेंटी एट ठीक है एक सेकंड तो इसको सॉल्व करोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी ठीक है वो टी टू टाइम है बट इसने क्या पूछा है एडिशनल टाइम कितना लगेगा तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस कर देंगे 178 से तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा बी दैट इज डेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाइल इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वन फिफ्टी किलो पास फ्रॉम फिफ्टी किलो पास देंज इन सॉइल इज ऑब्जर्व एज जीरो द कंप्रेशन देशन ऑफ सॉइल सीसी की वैल्यू पूछ रहा है सीसी क्या होता है डेल्टा ई अपॉन में लॉग ऑफ सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन सिंपल डेल्टा ई मुझे दे रखा है कितना है जीरो पॉइंट वन टू सिग्मा टू मुझे दे रखा है कितना है वन फिफ्टी और सिग्मा वन मुझे दे रखा है कितना करके देख लेना जीरो पॉइंट वन टू डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ वन फिफ्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टी तो इसका पॉइंट टू फाइव कुछ आएगा ठीक पॉइंट टू फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ अंसनट्रेटेड लोड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर एक्ट्स वर्टिकली एट अ पॉइंट ऑन द सॉइल सर्फेस इज द बॉसनिक इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर कॉम्पिटिशन ठीक है बॉसनिक इक्वेशन है स्ट्रेस दे रखे हैं किस पे डेप्थ तीन मीटर और फाइव मीटर वर्टिकल स्ट्रेस है ठीक है रेडियल नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे हमें बॉसने की क्वेश्चन आनी चाहिए वो होती है थ्री क्यू अपॉन टू पाई जेड स्क्वायर अब देखो वन प्लस वन वन अपॉन वन प्लस आर बाय जेड इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या पूछा है वर्टिकल आर क्या हो जाएगा ज़ीरो तो इस पूरे चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है अपॉन में कर देंगे ये जेड किसके लिए थ्री के लिए अपॉन में थ्री क्यू अपॉन टू पाई ये जेड कौन सा होगा जेड फाइव के लिए जेड स्क्वायर ठीक है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ टू पॉइंट सेवन सेवन देखो क्यू भी तुम्हें दे रखा है कितना है फिफ्टी है पाई पता है जेड क्या है तीन मीटर पे एक बार निकालोगे एक बार फाइव मीटर पे ठीक है ये देखो बेसिकली ये तो तुम्हारा कैंसिल आउट ही होने वाला है थ्री क्यू से थ्री क्यू कट गया टू पाई से टू पाई कट गया जेड फाइव अपॉन इसका वैल्यू निकालनी थी बस सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लो नेट ऑफ कॉफर डैम फाउंडेशन हैज़ सिक्स फ्लो चैनल्स एंड एटीन इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्स द हेड लॉस ड्यूरिंग सीपेज इज सिक्स मीटर इफ द कोफिशियट ऑफ परम्यूलिटी ऑफ सॉयल इज मीटर पर मिनट और देन द सीपेज लॉस इन मीटर क्यूबिक पर डे ओके सीपेड लॉस किस में होता है सीपेड लॉस को मान लो एस से डिनोट कर देता हूँ मैं ठीक है तो ये होता है के एच एन एफ अपॉन एन डी क्वाइट सिंपल के की वैल्यू तुम्हें दे रखी है किस में मीटर क्यूबिक सॉरी मीटर पर मीटर पर मिनट में के की वैल्यू है मीटर पर मिनट में ठीक है तो ये और एच दे रखा है तुम्हें हेड कितना है हेड लॉस कितना है सिक्स मीटर का एन एफ भी दे रखा है क्या सिक्स फ्लो चैनल्स हैं और एनडी दे रखे है कितना एटीन वैल्यूज़ पुट करना ठीक है वैल्यूज पुट करोगे तो ये तुम्हारी जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी किस में मीटर क्यूबिक पर मिनट में ठीक है अब इस मीटर क्यूबिक पर मिनट को क्या करना है चेंज कर लेना है किस में डे में दैट इज सिक्सटी इन ट्वेंटी फोर ठीक है जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पूरा कुछ निकल के आएगा सी इक्व टू जीरो पॉइंट वन वन फाइव एग्जैक्टली ये नहीं आएगा इसके आसपास पास कुछ आएगा ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल ग्रेन्स एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू द इंटेक क्विक कंडीशन इन सैंड हैविंग वर्ड रेशियो ऑफ जीरो पॉइंट फाइव कुछ नहीं है क्या कहते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट इज जी माइनस वन अपॉन ई e की तुम्हें वैल्यू दे रखी है जी की भी तुम्हें वैल्यू दे रखी है ठीक है ई e की वैल्यू कितनी जी की वैल्यू नहीं दे रखी ई e की दे रखी है कितनी पॉइंट फाइव ठीक है तो ई e की जगह पॉइंट फाइव पुट कर दोगे वन पॉइंट फाइव आ गया वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ आई सी प्लस वन इक्वल्स टू जी यह आ जाएगा क्या तो देखो कहीं दिख रहा है वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ आई प्लस वन जी सी इज़ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं अगेन क्वाइट इजी क्वेश्चन फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ रिवर सैंड वॉल्यूम रेशियो एट द डेंस स्टेट दे रखी है लूजर स्टेट दे रखी है और नॉर्मल स्टेट में भी दे रखी है ठीक है तो हमें क्या बताना है रिलेटिव डेंसिटी उसकी बतानी है ओके रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है आई डी इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस e अपॉन में ई मैक्स माइनस बस सिंपल सारी दे रखी है e e e दे दे रखा रखा है e रखा है क्या वाटर कंटेंट ओके सॉरी रेशियो और तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ अल सैंपल देखो किसी भी बच्चों को पूरी सॉयल में कुछ ना आता हो ये फॉर्मूला जरूर आता होगा सेवाग एस ई डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी ठीक है सेचुरेशन तुम्हें बताना है डब्ल्यू इंटू जी तुम्हें डब्ल्यू भी दे रखा है जी भी दे रखा है ई e भी दे रखा है ठीक है इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी एस इक्वल टू वन दैट इज फुली सेचुरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्डर फॉर डिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस इनफेक्शन पावर ठीक है सबसे ज़्यादा देखो कौन सा होता है ओजोन सबसे बेस्ट होता है डिसइनफेक्शन में बट उसको यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हमें फ्यूचर रिकन्टेमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया की वो नहीं देता है हंड्रेड परसेंट शॉर्ट ही नहीं देता है ठीक है इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हम ओज़ोन का यूज़ नहीं करते और दूसरा रीज़न ये भी है कि ओज़ोन थोड़ा महंगा भी पड़ता है ओके तो बट हमें ऐसा कुछ नहीं पूछा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिसइंफेक्शन पावर पावर के रिस्पेक्ट में पूछा है तो सबसे ज्यादा हमारा क्या है ओजोन होने वाला है ओजोन होने वाला है दूसरा क्या है हाइपोक्लोरस एसिड एच ओ सी एल ठीक है तो बस मिल गया हमें क्या करेक्ट आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्डर फोर सॉल्यूशन ऑर्डर फोर सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बीओडी बीओडी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है ए क्या है इंडस्ट्रियल वाटर बी क्या है रिवर वाटर सी क्या है टैप वाटर और डी इज बॉटल्ड वाटर ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज़्यादा होगी उससे कम होगी रिवर वाटर की उससे कम होगी टैप वाटर की और बिस्लेरी जो हम पीते हैं उसकी तो बहुत ही कम होगी तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट लेक वाटर कंटेन्स फॉस्फेट आयंस विच स्पीशीज वुड बी फॉर्म्ड इफ फेरिक आयन इन फॉर्म ऑफ फेरिक क्लोराइड आर एडेड इन लेक वाटर अब ऑब्वियसली बात है लेक वाटर में क्या है फॉस्फेट आयन है ठीक है और फेरिक डाल रहे हैं तो फेरिक फॉस्फेट ही तो निकल के आएगा कुछ और थोड़ी निकल गया फेरिक क्लोराइड थोड़ी निकलेगा ओके okay. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी दैट इज फेरिक फॉस्फेट